बोल। मैं तुझे मारना नहीं चाहता, बट आई नो कि तू परी को मारना चाहता था। किसके कहने पे कर रहा था तू ये सब? किसको दिखा रहा? किसके कहने पे कर रहा था ये सब? किसके कहने पे कर रहा था तू ये सब? अब किधर जाऊं? कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इधर जाता हूं। रघु, ए रुक इधर, नहीं तो सर पे मार दूंगा। तुझे क्या लगता है तू भाग सकता है? कहीं नहीं भाग सकता है तू, थोड़ा सा परेशान कर सकता है। देख बेटा, यही होगा कि तुम मेरे साथ चल और मेरे सवालों का जवाब दे। तुम इतना दावे से कैसे कर सकते हो तुम यहाँ से भाग नहीं सकता? क्योंकि ये घर मेरा है। अरे मैं तो यही भूल ही गया था, तुम्हारा घर है, सब घर वाले तेरे और मैं अकेला। लेकिन इन्हीं घर वालों में से कोई ऐसा है जो मुझे परी को मारने के लिए पैसा दिया था? कौन है वो? अरे इतनी सी छोटी बात समझ में नहीं आती तुमको? वो इंसान मुझे मारने के लिए पैसा दे सकता है तो भागने में भी हेल्प करेगा। फिर से परी ही सबको सही लग रही है। छोड़ दे उसे, छोड़। उसे कुछ मत करना भाई, छोड़ो ना उसे। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ उसे दे सकता है। साफ साफ बताओ आप क्या बोल रहे हो। अरे बहुत अच्छा आइडिया आ गया माइंड में। वो रघु है ना, उसका एक चेला है, उसका असिस्टेंट, उसका नाम है अशोक। तो मैं अशोक को कॉल करती हूँ और उसको बोलती हूँ तेरा बॉस हमारे कब्जे में है, तू हमारे घर पर आ और उसको यहाँ से ले जा। तो वो रघु भी यहाँ से चला जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी बन जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है बेबे। अभी करती हूँ फोन अशोक को। हेलो। हेलो, मेरी बात अभी ध्यान से सुन। रघु को हमारे घर में कैद करके रखा हुआ है, तू हमारे घर में आ अपने आदमियों के साथ और उसे यहाँ से छुड़ा कर ले जा, वरना तेरे लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, समझा? वो हमारे बॉस है, उन्हें बचाना हमारा फर्ज बनता है। मैं घर के पीछे वाला दरवाजा खुला रखती हूँ, तू आ जा, मेरे को टाइम बता दे कब आ रहा है। मैं 1 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है, तू आ जा। ठीक है, अशोक आ रहा है रघु बचाने के लिए। ये अच्छा नहीं होगा, मैं कह देता हूँ। रघु भाई नाम है मेरा, रघु 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 भाई, समझा? छोटू मुझे साहब, साहब छोड़ दो मुझे, मैं सब कुछ सोचूंगा तैयार हूँ। बाप कसम, अब माफी दे दे हमको, ए साहब साहब छोड़ दे, मैं सब कुछ बताऊं तैयार हूँ, बाप कसम, छोड़ दे साहब, साहब इससे छोड़ दो मुझे, मैं सब 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 बता दूंगा। अब तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता, तुझे ये इंजेक्शन लेना ही होगा। साहब माफी दे दो माफी, क्योंकि इसके बाद ही तेरी जुबान से सच निकलेगा। साहब गलती हो गई, साहब गलती हो गई। नहीं नहीं।